तो दोस्तों फाइनली शैतान मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है और यकीन मानिए ये एक बहुत ही हॉरिफाइंग और खतरनाक फिल्म होने वाली है। ये आपको थिएटर में एक बहुत अलग एक्सपीरियंस देने वाली है। साल 2023 में गुजराती फिल्म वश आई थी जिसका ऑफिशियल रीमेक है शैतान। रीमेक होने के बावजूद भी ये फिल्म बहुत ही ज्यादा अमेजिंग नजर आ रही है, ट्रेलर से पता लग रहा है। ट्रेलर की शुरुआत की बात करें तो आर माधवन ने मानो ट्रेलर में ही पूरी तरह से सभी को अपने साथ जोड़ लिया। इतने हॉरिफाइंग कैरेक्टर में पहली बार आर माधवन नजर आ रही हैं। जिस तरह से उन्होंने ट्रेलर में अपना असली रूप दिखाया है, यानी कि शैतान वाला रूप दिखाया है, वैसे वो रियल लाइफ में बहुत स्वीट इंसान है, बहुत अच्छे संत आदमी है, लेकिन ऑन स्क्रीन जिस तरह से वो शैतान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो बहुत अमेजिंग। इसके अलावा अजय देवगन की क्या तारीफ करूं भाई, जिस तरह से ये नए नए मूवीज़ में नए नए कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं वो बहुत अमेजिंग है। इसके अलावा साउथ की एक्ट्रेस ज्योतिका भी इस मूवी में है। वहीं इस मूवी में जानकी बोदीवाला भी हैं। जानकी बोदीवाला की बात करें तो वश मूवी में उन्होंने ही लीड कैरेक्टर प्ले किया था जिस पर वशीकरण हो जाता है, और इस फिल्म में भी आर माधवन जानकी बोदीवाला यानी कि ऑन स्क्रीन अजय देवगन की बेटी पर वशीकरण करेंगे। ट्रेलर देखने के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई है, साफ पता चल रहा है कि आर माधवन जो हैं जानकी बोदीवाला यानी कि अजय देवगन की बेटी पर वशीकरण करेंगे, और कहीं ना कहीं वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो लड़की की बलि दे सके और उसके बाद अपने आप को ताकतवर बना सके। ट्रेलर में कई चीज़ें रिवील कर दी गई हैं, जैसे कि आर माधवन किस पर वशीकरण करते हैं, क्या क्या काम करवाते हैं, मतलब प्रेडिक्टेबल स्टोरी है, लेकिन इसका जो ट्विस्ट एंड प्लॉट होगा वो अनप्रेडिक्टेबल होगा। आप पूरी कहानी तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब यहाँ ये होगा, अब वहाँ वो होगा, लेकिन इसका एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमने ट्रेलर के लास्ट में भी यही देखा था कि किस तरह से अजय देवगन बाकी और कैरेक्टर से भी लड़ते नजर आ रहे हैं। ओवरऑल ये मूवी बहुत अच्छी होने वाली है। वैसे जिसने वश मूवी देख ली है उसे तो स्टोरी पता ही है, लेकिन जिसने वश मूवी नहीं देखी है वो ज़रूर देखे शैतान, क्योंकि आर माधवन भाई क्या लग रहे हैं, मतलब जिस तरह से वो अघोरी के रूप में आ जाते हैं लास्ट में, मैं कह रहा हूँ कि आप पठान 2 में इन्हें ही विलन ले लो। तो भाई अब जो ग्रे शेड कैरेक्टर हम कह सकते हैं, ग्रे कैरेक्टर्स, उन पर लोगों का बहुत ध्यान जा रहा है, लेकिन अजय देवगन भी भाई अजय देवगन है, फैमिली मैन का कैरेक्टर जब भी वो प्ले करते हैं ना इतनी जान डाल देते हैं कि मतलब आपको लगता है कि मैं भी अपने परिवार के लिए एक आधे बंदे से लड़ ही जाऊँ। तो ये ट्रेलर बहुत अमेजिंग था और यकीन मानिए शैतान मूवी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो ऑल द बेस्ट पूरी टीम को, और 8 मार्च को ये मूवी थिएटर्स में रिलीज़ होगी, आप भी देखने जाइए और परिवार को भी लेकर जाइए। बाकी वीडियो कैसी लगी और ट्रेलर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।